भवन चाक सेकेंड बात उसकी मैंने क्लास नहीं दी, मुझे नहीं फिर पता है। आपने नहीं दी। एनी बड़ी एल्स सीरत देती थी क्लास, सीरत यस मैम, सीरत आप बता सकते हो यस लास्ट मैम, तक बता हमने कहाँ तक सकते पढ़ा हो था? लास्ट तक हमने मैम? मुझे याद ही नहीं है। उस दिन अदर आफ्ताब चुना सन पाने में सूफी महरीन को पता होगी। सूफी महरीन जी मैम, बताओ हमने लास्ट क्या पढ़ा था, आपको पता होगी। हमने मैम सिंपल ये प्रेजेंट टेंस पढ़ा। सिंपल क्या बोल रहे हो, वो आपको पढ़ाया था जब आप ही अकेली क्लास दे रही थी। उससे पहले ये क्या अभी आ रहे हैं बच्चे? ओके चलिए कोई नहीं, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। पास्ट परफेक्ट छवा पाई का छवाना पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट पता है 9th क्लास, 9th क्लास समझ आ रही है मेरी बात? पास्ट परफेक्ट पता है, पास्ट टेंस मैंने कंप्लीट किया है। किया यार मैं आई स्वेयर दोज हु आर नॉट रेस्पॉन्डिंग आई विल डू वन थिंग, मैं उनको क्लास से निकाल दूंगी बाहर। ये आफ्ताब आफ्ताब यस मैम, आफ्ताब शेंगी प्रेजेंट चुका जोल करान नो मैम, असरार, जरा मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट यस किसे मैम, कहते हैं? तला बने वन मुझे जल्दी पास्ट परफेक्ट का अच्छा ना वो भी मैंने पढ़ाया है आपको है मिस स्टडी। ये मैंने पढ़ाए हैं पास्ट परफेक्ट में प्योर यार। ओके ठीक है दिस इज डन, ये भी मैंने अच्छा फ्यूचर पढ़ा है, फ्यूचर टेंस। अच्छा बताइए जल्दी, आई डोंट हैव सच टाइम। फ्यूचर टेंस से मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे लगता है मैंने पास्ट परफेक्ट भी आपको पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ाया। इज इट क्लियर? 9th क्लास आसला, यस मैम, मुझे लगता है मुझे मैं आई वाज चेकिंग, मुझे पास परफेक्ट भी पढ़ाया, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ाया है मैंने आपको। तिया जी मैम, बोलिए। चलिए लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ फ्रॉम हेयर, अगर आप में से किसी को कुछ इश्यू होगा तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। चलिए मैं इसका आपको पहले स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ, आप उधर ही से इसको रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी 3 दिन हो गए थे इसके। चलिए मैं विल स्टार्ट इट अगेन फॉर यू पीपल जो क्लास में 1 दिन आते हैं, 4 दिन घर में बैठते हैं।
खुदा यार, हम की खुदाई। नाइन्थ क्लास प्लीज बी अटेंटिव। रोज रोज ही अच्छा नहीं लगता है आपको, एक ही टॉपिक आपको खुद भी नहीं पता होती है। चलो मैं तो थोड़ा स्ट्रेस में थी, मुझे परसेंटेज ज्यादा पाए। दिस इज लास्ट टाइम, आई स्वेयर आई एम रिपीटिंग इट। आफ्टर दैट आई विल नॉट। मैं सीधे इसके बाद आपका कौन सा वाला है, फ्यूचर है, मैं वही स्टार्ट करूंगी फ्यूचर टेंस। स्पेशली असला बी अटेंटिव इन द क्लास, असरार अटेंटिव रहो क्लास में, ठीक है? मैं फिर पूछूंगी एक एक बिट, ठीक है? सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। बच्चों सदा स्टडी द वर्ब फॉर्म्स, गॉड विच थ्री वर्ब फॉर्म्स बे सिचुएशंस यफ मजिम इस्तेमाल छ गमे तो पास परफेक्ट टेंस छ यूज आमुद गस्त गॉड ने थी विच थ्री यस आमुद हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी गॉड ने छ पास्ट गो पास्ट टेंसस मजस पास्ट छ पाई इज गो प्रेजेंट वाज गो past continuous she jaise I am she is writing is present continuous she was writing is your past continuous ab isi ka banta hai past perfect continuous so kitkin maine ta chiwa z cheez istemal karna ya chiwa had usme had lagta hai fir been lagta hai plus ing form of verb ठीक है ये आप याद रखेंगे। कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या गो, पास्ट कंटिन्यूअस गो वाज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या गो इज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल वो कलवर्ड में लिखा है आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन इंदिरा अराइव्ड। मैं को तक कॉल उसको मत एक्शन मतलब टाइम ड्यूरेशन she have it them in the recording a second khuda ya raham I have let them in main samjhe koi call kar raha tha students thiya no ma'am chali koi nahi let it be चलिए होगा मत लेट इट बी ओके फाइन नाउ पुट योर कंसंट्रेशन हियर शी हैड ओनली बीन रनिंग फॉर 10 minutes नाउ हियर इट इज एक्शन हैज बीन स्टार्टेड समवेयर नाउ द टाइम ड्यूरेशन के एक्शन में कितना टाइम हो गया कंटिन्यूटी में कि कुता काल को ठीक है कहां तक कुता काल उस टाइम नफरस गुमती काम करान तो दैट इज फॉर 2 hours फॉर 10 minutes इट्स हियर और तेमिस लोग दाब तो फैल मैंने ज्वाइन इट द यूनिवर्सिटी ये मैं ज्वाइन कर 1970 माय ब्रदर हैड बीन तेम जो खबर कर उस में स्टार्ट को मगर सोस वन तात मस पारा फॉर 2 years सो दैट मींस फॉर टाइम ड्यूरेशन दिस इज यूज्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे बनता है इसकी इसका स्ट्रक्चर क्या है हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आप कंफ्यूज नहीं होंगे ओके इसमें पर्संस की कोई याद नहीं है चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकंड हो देन देयर इज ऑल हैड बीन इस्तेमाल होता है क्या पास्ट हैज गेस इस्तेमाल की हैड बीन क्लियर हो गया नाइन्थ क्लास क्लियर चुआ सुसिट साइमल्टेनियसली आसान यस मैम अब देख लीजिए आई हैड बीन टीचिंग तो हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वी हैड बीन वेटिंग दीज आर हाफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस showing the verb ab dekh lijiye structure kya hona chahiye pehle subject aayega fir aapka verb aayega fir aapka complement what is complement complement is the predicate part jo verb ke baad aata hai ab dekh lijiye past perfect continuous ke do purposes hai to talk wo wala action jo past mein start ho gaya aur continue hua kuch time ke liye lekin past mein hi present ka koi lena dena nahi hai past ki hi baat kar rahe hain ki falan cheez us gumat brought his start to pad go fal ye this time stand us to pad go end तो एडवर्बल ऑफ टाइम मींस कि आप दिखाते हैं कितने टाइम तक फॉर यहाँ पर है 10 minutes तो वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब्स फॉर टाइम ठीक है तो
The action that happened later is in simple past tense. सिम तापत गई उसे later हो गई, वो सिम उसके लिए past tense होता है. अब देख लीजिए यहाँ पर इसने example दे दी है, when I started my schooling in Zasazda, कि मैं सही पान school को start Zasazda has my brother. When I started, aim to start कर मत, ये simple है past में. When I started my schooling in Zasazda, my mother had been teaching there for 5 years. 2010 already simple past है, लेकिन जब इसने join किया उसको कितना time हो गया था, 5 साल. In this sentence, a point in the past means ये past की बात है. My starting the school in Zasazda is mentioned, जब इसका already past वाला काम start हो गया the schooling, तब तक इसकी माँ ने कितना time complete किया था, 5 साल. ये clear हो रहा है आपको? ईशुवा क्लियर गसान 9th क्लास? यस मैम. देख लीजिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. देखो इवेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जब कॉलेज इंशाल्लाह कॉलेज में जाएंगे, किसी ऑलरेडी कहीं किसी इदारे में जाएंगे, तब इस पास्ट एक्शन को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि स्कूल आपको किसी टाइम छोड़ा है, आप बचपन में स्कूल जा रहे थे, लेकिन आपकी स्कूलिंग को कितना टाइम हुआ, 10 साल वगैरह साल. तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए कि मेरे को इस साल में स्कूल छोड़ा, जब फलानी मेरा फ्रेंड आया मुझे इतने साल हो गए थे, तो इस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए टाइम पीरियड को शो करने के लिए कि कितना हो गया है, ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इवेंट चल रहा था पास्ट से, ठीक है, बट कितना टाइम हो गया, टाइम प्रोसेस कितनी है, उस चीज को दिखाने के लिए व्हाट इज द प्रॉपर वे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज़ इट्स एन एक्शन इन द पास्ट दैट हैज बीन गोइंग ऑन. समझ आ रही है बात? अगर आप नाम से देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, द एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, इज इट क्लियर? ठीक है. यस मैम. नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जांपल हियर. Okay, now here it's writing down. Thus we understand. Acho samajh tarah ki yaha acho tense istemal evan karna ek actions use ek definite moment as much past as much gumut start or continue hua that moment and chal raha tha और अभी कंप्लीट हो गया, तो मतलब पास्ट में ही कंप्लीट हुआ. ये नहीं हो सकता है कि एक प्रेजेंट अस मस्त इल्मा बनी पास्ट. ये एक्टिविटी है कि पास्ट के किसी पॉइंट पे, ये डेफिनेट पॉइंट पे स्टार्ट हो गया, देन इट कंटिन्यूड. यू गो तत्तीपा, अगर ये तत्ती एंड का ऐसा तिलबन है, ये सिंपल पास्ट. लेकिन अब ये वहां पर स्टार्ट हो गया, लेकिन कुछ पास्ट के कुछ ही सालों में ये कंटिन्यू रहा, देन इट एंडेड. इसको ये किस में आएगा, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा. क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? मैं तेज तो नहीं जा रही हूँ 9th क्लास? समझ हुआ तेरा? मुसादिक खाली, मुसादिक इज रेस्पोंडिंग. आसला समझ आ रहा है? यस मैम. अगेन नाउ लेट अस सी हियर. टू शो कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट, कॉज को फलन चीज को मैं तमक रिजल्ट द्रावित केड, हम उस चीज के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई काम आपने पास्ट में किया उसका रिजल्ट भी पास्ट में आया, तो उसका तो आपको दोनों चीजें जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पास्ट के हैं, लेकिन आपने एक एक्शन उससे पहले किया उसका रिजल्ट उसके बाद कुछ टाइम में आया, तो टाइम का कुछ इसमें डिफरेंस है ना, तो दोनों चीजों को डिस्कस करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे. जैसे मायरा वाज टायर्ड सो थचमस एज, क्यों क्यों थकी हुई थी, ये इफेक्ट है. इसका रीजन क्या है? शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट. राजू लॉस्ट वेट, उसने वजन किया, बिकॉज ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज कर मस्त रिजल्ट द्रावित के. समझ आ रही है मेरी बात? तो आप देखेंगे कॉज में इसने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है, कॉज के लिए इस्तेमाल इसने सिंपल टेंस किया है, दैट इज वॉट that is sorry simple nahi that is present perfect continuous and the result is for that it is what is the tense that is simple past. ye complete ye samajh aa rahi hai baat? Puchu Mary was tired. Mary was tired hai ye effect hai, thajmus us, that is past. But what is the reason? Reason is had been studying. To kaun sa tense iske liye reason ke liye istemal hua hai, that is past perfect continuous. theek hai.
Now let us see the exercise. You all will do it one by one. Let me tell first. Afta vala vansa gubre yatki igwadne kis. Vansa. Afta, why are you listening? यहाँ जार को करने के लिए नहीं मैं बैठी हूँ, सुन रहे हो? Yes ma'am. आफ्ताब, मानो यह कई फर्स्ट पार्ट को क्या आएगा? कंप्लीट कर लो फर्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक को. He was transferred from Jammu. He died there for five years. वान जल्दी. दो स्टूडेंट्स हुआ. He worked. पे ये नास पत्थर. खिननास पे ये पत्थर उसको सोए होते हो क्लास में. याद रखना मैं जीरो मार्क्स दे दूंगी, मैं फेल कर दूंगी क्लास में. वर्कड आएगा वो पास्ट है ना, इधर तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल रहा है इस्तेमाल करने के लिए. वर्किंग है वो, कंटिन्यूअस है. बेवकूफ बच्चे. फिर नहीं मैं बोल रही हूँ तुम्हें समझ आया, फिर क्यों झूठ बोलते हो हमें समझ आया? तू चुवासा गैर बान चुवारा क्या पता नहीं वो होता है. क्लास में एंटर होते हो फिर पता नहीं क्या काम कर रहे होते हो. देख लीजिए, ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जम्मू. इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो क्या आएगा? हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years. व्हेन आई रीच्ड देयर द बस हैड बीन बर्निंग फॉर आवर्स. द वुमेन हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग. हर एक चीज में टाइम लिखा है सो दैट इट इंडिकेट्स कि एक्शन कहां से कहां तक चला है. समझ आ रही है बात? आसला समझ आ रहा है? यस मैम. मैम ये पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यूसेज में क्या फर्क है? Past continuous की यूसेज में ये फर्क है. देख लीजिए, past continuous is when the action, for example, she was writing. You don't know the when the action has क्या शब्द है? Action कुता काल चुगमु. तब उसमें होता है past continuous में आप दिखा रहे हो कि action continue रहा है past में. That's it. उधर वहां दिखाना होता है continuity of action में ज्यादा stress होता है कि action वैसा उस continue का सा past में. ठीक है, लेकिन यहां पर जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखेंगे कि इसमें स्ट्रेस होता है टाइम पीरियड को लेकर कि कुता काल चुको मत कंटिन्यूटी में. समझ आ रही है बात? यस मैम. ठीक है, देखो वहां पर अगर आप सिंपल सेंटेंस ऐसे देखेंगे, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर टू यू. जैसे हमें फॉर एग्जांपल यहाँ दो चीजें होती है. जब मैंने पिछली दफा पास्ट कंटिन्यूअस आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने कहा जब आप दो एक्शंस को आपके दो एक्शन साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं, गॉट यू, ऐसा हु काम करा था, अच्छे ये काम करा, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं. जैसे माय मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन समबडी रैंग द डोर बेल. तो वहां पर हम लोग दो एक्शंस को दिखाने के लिए कि एक साथ स्टार्ट हो गए, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं. तो हमने ये भी पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल गसने यवान कि जो एक्शंस उनमें कंटिन्यूटी थी वो हैपन हो रहे थे, वो कंटिन्यू हो रहे थे कि कंटिन्यूटी हमें उधर नहीं पता होती है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंप्लीट हुआ. यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको अगर कंप्लीट नहीं पता चल रहा है लेकिन आपको टाइम पीरियड क्लियर हो रहा है कि कितना टाइम हो गया उसको कंटिन्यूटी में. समझ आई मेरी बात? समझ आया? Yes, ma'am. यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम जरूरी इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है यूजुअली. ठीक है, नाउ लेट्स सी द फ्यूचर टेंस. वी आर हैविंग आईएस. हाउ मच टाइम? अभी हमारे पास 10-12 मिनट हैं, तो हम लोग फ्यूचर टेंस डिस्कस करते हैं. मैंने ये पढ़ाया है लेकिन करूं क्या? जो बच्चे एक दिन क्लास में आते हैं दूसरे दिन घर में होते हैं, इसके बाद दिस विल बी द लास्ट. आई विल एंड दिस चैप्टर क्विकली. मुझे आपको ये भी दिखाना है. पढ़ने विचवाना पद हिसाबन. अगर आप, मुझे लगता है एज पर माई नॉलेज आई हैव स्टार्टेड फ्यूचर विद यू. आई गेस मैं थोड़ा उसको डिस्कस कर लूंगी 5-10 मिनट के लिए ब्रीफली, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी उसमें, ताकि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए तैयार हो जाए जो फ्यूचर हमें डिस्कस करना है टेंस का.
देख लीजिए यहाँ पर जो है she will be free, he will get his result tomorrow. These all are the children will be glad. These are examples of simple future tense, जिसको हम मुस्तकबिल भी कहते हैं उर्दू में. तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आई फर्स्ट पर्सन के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं. वी जो प्लूरल है हमारा उसके साथ भी विल होता है. एंड ही शी इट ओके. एंड विल विद विल किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही शी इट यू दे, दीज प्रोनाउंस के साथ. तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो एक्शन को डिनोट करता है जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है, ठीक है, जो अभी नहीं हुआ लेकिन होने वाले होते हैं. तो बहुत सारे एक्सप्रेस वेज है एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना चाहिए. शैल और विल के साथ कभी भी वर्ब में कोई चेंज नहीं आती है, तो रूट मेन फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है. जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस वी वन, दैट मीन्स द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको याद करना है कि विल किसके साथ इस्तेमाल होता है, शैल किसके साथ इस्तेमाल होता है. आई एंड वी के साथ आपका शैल होगा, बाकी जितने भी हैं उनके साथ आपका विल आएगा. तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो है सिंपल फ्यूचर टेंस नेगेटिव कैसे लगेगा. नेगेटिव के लिए आपको नॉट लगाना है वर्ब से शैल और विल के बाद लगाना है. तो जैसे आई शैल नॉट स्टे इन द होटल, वी शैल नॉट, ही विल नॉट मेक एनी मिस्टेक. और इसी का जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन आंसर, तो उसमें ऑक्सिलरी आगे आएगा, शैल और विल आएगा, पति सब्जेक्ट पति वर्ब. फॉर एग्जाम्पल आई शैल नॉट स्टे इन द होटल में क्या आएगा, shall I not stay in the hotel, ये इसका question बनेगा. That means shall plus will auxiliary plus subject plus V1 plus उसके बाद जो verb के बाद क्या आता है predicate. अब देख लीजिए WH questions कैसे बनेंगे आपके. तो आपका word आएगा what, when वगैरह जो होगा, फिर verb आएगा जो shall और will है वगैरह, पति subject पति V1 पति C. तो उसके example में यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, जहां पर अगर मैं ज्यादा तेज जा रही हूं तो बता दीजिएगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग फास्ट थ्रू द लाइंस. स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. देयर इज व्हेन, दैट इज द वर्ड, प्लस क्या है वर्ब, वो वी है, वर्ब है, फिर है आपका सब्जेक्ट दैट इज यू, देन क्या आएगा क्या कहते हैं वी वन, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम टू श्रीनगर, दैट मीन्स व्हेन विल यू कम टू द श्रीनगर. व्हेन हो गया आपका क्वेश्चन, विल हो गया आपका ऑक्सिलरी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा वी वन में. दैट लाइक ने कम्स या कमिंग वो गलत है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. वेयर विल यू स्टे इन द दिल्ली, सेम, दीज आर सम एग्जाम्पल्स. अब आपको क्या करना है, पुट द फॉलोइंग इनटू द सिंपल फ्यूचर टेंस. जरा आप में से ट्राई आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स. असरा तला ये दिकरित आई नेवर बिलीव यू, इसको सिंपल फ्यूचर में लगा लो. असरार असरार बताओ जल्दी, आर यू लिसनिंग. गेती अंबाजी हम क्लास में गिंद न बाप अच्छा साम. बीनेश बीनेश फैजान फैजान अयूब फैजान फैजान सुनाई दे रहा है कि नहीं. खुदाया रहम. आसला आर यू लिसनिंग. Yes, ma'am. बताओ इसको क्या आएगा, बाकियों को मुझे इसी के साथ टाइम वेस्ट तो नहीं करना है. बताओ आई नेवर बिलीव यू को क्या आएगा. I will never believe means negative go, never से पहले will आएगा. या चूंकि will नहीं आएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा था shall आता है. I shall never believe you, I के साथ shall आता है. तो इसमें बता दीजिए you don't understand it के साथ क्या आएगा. You won't understand it. You won't आएगा कि You shall don't understand it. You shall आएगा. शाबाश. नहीं वो वी और आई के साथ लगता है. Don't को खत्म कर लो, जरूरी नहीं है. You don't understand. You will not understand it. Don't काट लो, खत्म कर लो. क्यों जरूरी है do को लगाना. You will not. Equivalent तो बराबर उसी के आएगा ना, meaning. है कि नहीं? Yes. इसको देख लो. He never cleans his own shoes. He will never clean his own shoes. अच्छा, it doesn't cost much.
It will not cost much. We don't do any homework. क्योंकि हमने पढ़ा था ना do convert हो जाता है आप तो इधर इधर सीधे लगता है negative बनाना तो will plus not आएगा ना आपका structure तो वही है इसको बता दीजिए we don't have any homework in the class क्योंकि ये इनका tense different है इस वजह से verb different है जब आप इसका verb change करेंगे तो do and does ये कटेगा इसके बदले will आएगा समझ आ रही है मेरी बात जी मैम अब इसको बता दो we will not do any homework in the class हाँ. now this is it's clear to you can do it easily isn't it now fill in the blank with the verb form of simple future with the help of verb given below Fill in the blank. We dash lesson on the Monday. We will start. He dash. He will come to see me the Monday. We ke saath phir aayega. We shall. Now you will remember that I have ye likha hai yahan par kya likha hai ki I aur we ke saath aapka shall aata hai aur he, she, it, you, they ke saath aapka will aata hai. That means aapko yaad rakhna hai I to we should aur he shall. We shall set out. She will write. I will take her, they will, या I के साथ I shall take the examination. ठीक है ये आपको आएगा you will be able to do it है ना ताइगवा किन्ना आएगा ना ninth class yes ma'am now this is future continuous isn't it shall we how much time do we have I guess we are having 8 minutes isn't it चलिए चलिए याद रख लेना मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया पतिल पे एग्जाम्स में पेपर करो ना तमसातन मानने में कुछ भी नहीं सुनूंगी आपका इट्स गोइंग टू एंड आफ्टर दैट इट हैविंग आई जस्ट थिंक वन और दिस टेंस आई विल एंड इट एनी हाउ Is it 12:05 up to class or 12:03? Just wait, I will check it out here. 2-3 minutes. 12:05. Huh? Vanu, jaldi. 12:05. Huh? That's it because it is showing running out of time. That's it. I got through this. Question है कुछ ये homework कर लेना इसका screenshot उठा लो मैं अभी दिखाती हूँ ये एक बार फिर से ये exercise complete करके आना कल. Inshallah. ठीक है. Yes, ma'am. एक ये है दिस इज इट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट उठाया yes, ma'am. अब इसका भी उठा लीजिए साथ राठ सा दैट विल बी अ स्क्रीनशॉट इसमें हाफ ईयर है 17-18 एकर्स बस ठीक है यस मैम उठाया उठाया अच्छा अब मैं आपको अभी मेरे पास में बात है ना टाइम है आपसे सवाल करती हूँ लॉन्च में क्या आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज अच्छा बताओ क्या कहते हैं इसको व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या है When वो जल्दी am subject plus shall or नहीं आप नहीं बताना they will say आप नहीं बताना मुसद्दिक वन वन सा मुसद्दिक जल्दी मैं इस पर टाइम का सा वेस्ट मुसद्दिक का प्रसंग प्रसंग तो ज़रूर पर करा नहीं मैं इधर बना रही हूँ जीरो जिसको आएगा उसका खत्म मसला सूफी मेहरी ना आप बताओ क्या बोल रहे हैं मैम स्ट्रक्चर बताओ इसका फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस का गेना सिटिम आप बताओ फैजान वन सु जल्दी फैजान आप बताओ फैजान अयूब जायरा आप बताओ जायरा भट्ट जायरा सुनाई नहीं दे रहा है जायरा
असला आप बताओ जल्दी जल्दी, इनका तो इनको जार पर करना पड़ता है। मंचा सा पान मार्क जन पार नस्कुन, बताओ जल्दी। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो आप याद रख लो कि आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी रेस्ट के साथ विल आता है, ठीक है? यस मैम। That's it. Do the homework and inshallah याद रख लेना कल आपको जो पढ़ना है that is future continuous tense. खाली ये बचता है, इसके बाद ये end हो जाएगा future perfect. इंशाल्लाह कल ये over हो जाएगा, इंशाल्लाह will be इंशाल्लाह. Okay, अल्लाह हाफिज. Okay, अल्लाह हाफिज, take care. आनु सवाल भी चुवासन शेंगे.